नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फील द इंजीनियर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक जॉब अप्रेंटिस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पावर ग्रिड लिमिटेड कंपनी के अंदर निकल के आ रही है। ये पावर ग्रिड लिमिटेड कंपनी जो है एक भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड महाराष्ट्र एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये इनवाइट कर रही है अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स के लिए। 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप रहने वाला है और ये अलग 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 जोन्स में निकली हुई है वैकेंसी, ठीक है। तो अभी मैं जिस जोन्स में नॉर्दर्न रीजन थर्ड में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और सबसे अच्छी खास बात इसकी ये है कि इसमें जो स्टाइपेंड मिलने वाला है दोस्तों, वो जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया सेट करती है उससे कुछ प्लस ही मिलने वाला है। तो इसका स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा है, मैं आगे आपको बताऊंगा कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है। और चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में सारी चीज़ें के बारे में इसके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो सबमिशन है जो 7/7/2022 से स्टार्ट होने वाला है और 31/7/2022 तक इसका लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप निर्धारित डेट में ही अपना आवेदन कर दें यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके लिए जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। बट ब्रांच जो है कौन कौन सी एलिजिबल है मैं बता दूँ। ये पहले मैं उत्तर प्रदेश रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले और इलेक्ट्रिकल वाले डिप्लोमा में और सिविल वाले डिप्लोमा में ये ब्रांच जो है एलिजिबल है इसके लिए। अभी मैं बता दूं कि मैकेनिकल वालों के लिए इसमें कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं रखी गई है, सो मैकेनिकल वालों के लिए बैड न्यूज़ है। बट इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं और कंप्यूटर साइंस वाले जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी निकली हुई है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं उत्तराखंड रीजन में। अभी आप देख सकते हैं उत्तराखंड में केवल डिप्लोमा और आईटीआई वाले स्टूडेंट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल वाले आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसका जो स्टाइपेंड है काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। मैं आगे बताता हूँ कितना मिलने वाला है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो 1 ईयर की ट्रेनिंग रहने वाली है, ठीक है। उसमें आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा। सो ट्रेनिंग जो है उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए लोकेशन ये रहने वाला है, इतने जो भी सेंटर हैं वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग मिल सकती है। देखिए ये अप्रेंटिसशिप दूसरों के अप्रेंटिसशिप के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। देखिए आप अपने रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे आगे सिलेक्शन के बाद आपका लक डिसाइड करेगा। बट इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग लोकेशन हो सकती है, जैसे आगरा हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बलिया भी हो गया, ठीक है। तो अलग अलग गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, लखनऊ में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। उत्तराखंड में भी आप देख सकते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनिंग यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ट्रेनिंग आप कहाँ से करेंगे, बट ये लोकेशन है यहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जैसा कि मैंने बात कर दिया कि इसमें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी फुल टाइम 4 ईयर का बीटेक किया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में, तो वो इसके लिए ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनको जो स्टाइपेंड मिलने वाला है 15,000 रुपये मिलने वाला है, तो काफ़ी ये अच्छा है। आप देख सकते हैं समथिंग अप्रॉक्स बीटेक वालों के लिए गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग 12,000 समथिंग मिलता है, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएट सिविल के लिए ये भी 4 ईयर के यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, टेक्निकल डिग्री है आपके पास, बीटेक की डिग्री है, तो आप सिविल से यदि आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हैं 4 ईयर के आपके पास बीटेक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रिलेवेंट आप बता चुका हूँ कि आप नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको फुल डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी किसकी कितनी निकली हुई है। डिप्लोमा वालों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है और सिविल के लिए 5 है। सबसे ज़्यादा आईटीआई जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं 38 इनके लिए अप्रेंटिसशिप यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस है। डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिविल वालों के लिए नॉर्मली कहीं से जल्दी आती नहीं है अप्रेंटिसशिप, बट यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो सिविल वाले तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि सिविल के लिए प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ पे यदि और स्टाइपेंड देख सकते हैं, यहाँ पे जनरली जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट का क्राइटेरिया जो है 8,000 समथिंग जो है स्टाइपेंड मिलता है, बट यहाँ पे 12,000 दिया जा रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और डिस्ट्रिक्ट भी आप देख सकते हैं कि अपने रीजनल सेंटर में आप कहीं भी, यदि आपको उत्तर प्रदेश में ही अप्रेंटिसशिप करने को मिल जाता है, यदि आप किसी रिलेवेंट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे यदि आप रहते हैं वहीं से आप ट्रेनिंग करते हैं, तो आपका काफ़ी जो है खर्चे भी बचेंगे और आप एक साल की अप्रेंटिसशिप की भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जैसे देख सकते हैं आप 11,000 मिलने वाला है आपका स्टाइपेंड, तो काफ़ी ये बेहतर है। ITI वाले स्टूडेंट्स को यदि 11,000 स्टाइपेंड मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो देख सकते हैं जो अवेटिंग द रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन, जो फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन दिए हैं और उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट कन्फर्म नहीं हुआ तो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। नॉट कम्प्लीट देयर, तो 18 साल की जिसकी एज भी नहीं हुई है वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता, ठीक है। और अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ड्यूरेशन, ठीक है। तो यदि अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ड्यूरेशन, ठीक है, तो यदि आप क्या बोलते हैं कहीं से भी यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं जॉब किसी और इंस्टीट्यूट से यदि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। यदि जॉब एक्सपीरियंस 1 साल से आपका ज़्यादा है तभी भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। आगे देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट चीज़, अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहने वाला है, तो मैं बता दूँ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क्स ऑफ द ऑब्टेंड इन द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है, आपके जो भी अपने ऑप्टेंड मार्क हैं, आपके जो आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें जितना भी आपने स्कोर किया हुआ है तो उसके आधार पे यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तब जाके एक मेडिकल भी होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल भी होगा, सो ये केवल नाम के लिए है। तो यहाँ पे मेडिकल होने के बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। तो ये जो है सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। अब मैं बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है आपको दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए ये जो है काफ़ी ये ज़रूरी है आपको समझना कैसे अप्लाई करना है। तो इसका जो है आवेदन ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। और ऑनलाइन करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो भी ITI वाले स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा या डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो वेबसाइट दी है ये यहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन करना है। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसको NAPS या NATS बोला जाता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल है ये एक तरह का। तो यहाँ पे जाके आपको आवेदन करना है ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए, इस वेबसाइट पे जहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से जाके इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और डिप्लोमा और डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने पे एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उसी इनरोलमेंट नंबर का यूज करके आपकी जो ये पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाके आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, अगर कोई भी डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने डेट बता दिया इम्पोर्टेंट डेट के साथ साथ से ये आवेदन शुरू होने वाला है, 31/7/2022 तक आवेदन इसका चलेगा, ठीक है। तो कोई भी यदि प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्दर यदि आपको कोई भी यदि ऐसी ज़्यादा इशू आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो इनकी जो ऑफिशियल ये है ईमेल ID है, इस पर आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और जिसका सलूशन वो लोग देंगे, ठीक है। ये लिखे हुए हैं फॉर एनी क्यूरीज, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे दोस्तों, और ये इन्फॉर्मेशन आपको यदि इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यदि आपको इससे हेल्प मिलती है तो हमारा उद्देश्य ये है कि आपको हेल्प मिले इसकी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं वो यदि एलिजिबल ना हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, ओके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।